कांग्रेस भी बनना चाहती है गठबंधन का हिस्सा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गठबंधन ना होने के बावजूद भी कांग्रेस ने सपा बसपा से दोस्ती की आस नहीं छोड़ी। राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ सपा बसपा अमेठी व रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतार रही है, तो जवाब में कांग्रेस ने भी यादव परिवार के लिए 5 से 6 सीटों पर ऐसी ही पेशकश की है। शिवपाल यादव को भी राहत मिल सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती मैदान में उतरी हैं, तो संभव है कि उनके सामने भी कांग्रेस उम्मीदवार ना हो। कांग्रेस ने यूपी में भेजे गए राष्ट्रीय सचिवों व पर्यवेक्षकों को चुनिंदा सीटें छोड़कर चलने के निर्देश दिए हैं। हालांकि डम्मी उम्मीदवार भी तैयार रखने को कहा गया है। सपा ने अब तक 9 प्रत्याशी उतारे हैं। परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव मेनपुरी व डिंपल कनौज से हैं, फिरोजापुर से अक्षय यादव और यही से चाचा शिवपाल बसपा से लड़ने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तय है कि कांग्रेस ये सीटें छोड़ेगी। शिवपाल कहीं और से भी उतरे तो कांग्रेस वहां भी नहीं उतारेगी। बदायूं पर रुख अभी साफ नहीं है। वहां सपा धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, कांग्रेस सलीम इकबाल शेरवानी को उतार चुकी है। सपा की कोशिश है कि बदायूं से भी कांग्रेस से चुनावी ना मिले। उधर गठबंधन में शामिल रालोद नेता भी कांग्रेस में ऐसी ही उदारता की आस लगाए हुए बैठे हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी खबरें आप तक पहुंच सके सबसे पहले।